गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको सैंडस्टोन के लिए सिकंदरा लेके चल रहा हूँ। और सैंडस्टोन के लिए ये पहले पुराने टाइम में ये फ्लोरिंग के ही काम आया था, तब फ्लोरिंग के तो कम हो गया है, परंतु इसके आर्टिकल, पिलर, टेम्पल्स ये बहुत सारे बनने लग गए। और सैंडस्टोन नॉर्मली देखते हैं तो राजस्थान का जो सैंडस्टोन है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वही ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट में, आर्टिकल्स में, इनमें काम आता है। यों तो एपी में भी निकलता है, कड़प्पा, कर्नाटका में भी निकल रहा है, एमपी में निकल रहा है, यूपी में भी थोड़े से इलाके में निकल रहा है। तो ये है, आजकल थोड़ा सा कंटेनर्स वगैरह की रेट एकदम ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए एक्सपोर्ट जो सैंडस्टोन के स्लैब वगैरह होते थे, ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे, वो थोड़े कम हो गए हैं, परंतु हैंडीक्राफ्ट बहुत हो रहा है। तो एक बार अपन देखते हैं कि क्या हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या आइटम है, जो आप जयपुर से आगरा की तरफ जाते हैं तो उनको आप देखिए, रोड साइड पे ही है। अगर कुछ क्वारी है तो आप मुझसे भी कर सकते हैं, वहाँ जाके ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे से। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में उसकी जानकारी दूँ, प्रोडक्ट की ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। सिकंदरा पे मुझे एक बहुत अच्छा शोरूम लगा, इंडियन स्टोन कॉरपोरेशन, तो वहाँ पे कुछ मुझे लगे कि बहुत अच्छे आर्ट ऑब्जेक्ट हैं, और चलते हैं वहाँ पे, चलते हैं तो उनके जो ओनर हैं उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सब आपका? जेपी सैनी साहब हैं। बस आपका मुझे जो शोरूम है, ओपन आर्ट गैलरी है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कुछ थोड़ी सी इस पर चर्चा हो जाए। मुझे पहले तो ये बताइए कि सैंडस्टोन का मतलब, ये मार्केट तो पुराना है परंतु इसको कितना टाइम हो गया डेवलप हुए हुए? डेवलप पे अप्रोक्स 30 ईयर हो गया ये आर्टिकल बनाते हुए। मतलब पहले यहाँ पे चौकट भाई ने गेट वगैरह का काम होता था। मतलब इनका मतलब है कि पहले जो हमारे आजकल लकड़ी के या पत्थर की भी चौकट लगती है दरवाजे के लिए, इसका काम ज़्यादा होता था, परंतु उसके बाद कारीगरों ने सीखा और हैंडीक्राफ्ट में क्रिएशन नए नए चालू होते गए, उसके बाद था। अगर आप देखेंगे तो ये जो पुराने टाइम की छतरियां हैं, उस तरह की छतरियां भी बनती हैं इनके यहाँ पे। और पॉट्स के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छे अच्छे पॉट्स हैं, अभी हम इनको कवर कर रहे हैं कि इसलिए था। देखिए ये, अगर आप देखें इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए बारादरी, जो पुराने पैलेसेस वगैरह में होती थी वो देखिए आप, बारादरी मतलब ये 12 दरवाजे हैं, इसलिए 12 खम्भे हैं और 12 दरवाजे हैं, तो ये बारादरी। मुझे लगता है यहाँ पे राजा महाराजे इसके अंदर बैठ के, हाँ, पहले राजा महाराजा बैठ के जैसे महल के ऊपर लगा दिया ओपन में। देखिए महल को ऊपर लगाने के लिए, परंतु आजकल तो राजा महाराजाओं में मैं तो कहता हूँ कि लोगों के पास इतना पैसा और फॉर्म हाउस वगैरह इतने हैं, गार्डनों में लगाने लग गए, तो इनके लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। और इसके लिए आपको कहीं आना नहीं है, टोल पार करके मुझे लगता है 50-100 मीटर पे ही इंडियन स्टोन कॉरपोरेशन है, यहाँ पे आप आइए। देखिए क्या, कितने खूबसूरत, एक्चुअली पुरानी जो मूर्तियाँ पहले होती थी वो तो है ही, अपन तो इसके लिए आजकल मॉडर्न आर्ट जो नई नई डिज़ाइनें क्रिएशन करी हुई ना, ये देखिए आप। एक मतलब मैं सारों की पूछते पूछते तो थक जाऊंगा, आपके पास इतना अच्छा कलेक्शन है, एक आइडिया वाइज बताएंगे कि जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, कुछ स्कल्पचर बोलते हैं? अच्छा, ये ज़्यादातर स्कल्पचर है। इनकी क्या एक अंदाजन क्या रेट होगी? 30,000 के आसपास है, तो इट्स नॉट बैड। गार्ड ओपन आपके गार्डन में लगाइए या और कहीं पे लगाइए तो 30,000 है, बस इसको ले जाने का मतलब पहुंचा देंगे अगर कोई, वो सब एक्स्ट्रा होता है। परंतु ये मेरे ख्याल से आपके गुड़गांव दिल्ली में अगर कोई आर्ट गैलरी है तो वहाँ बहुत महंगे बिकते हैं।
ये देखिए एलिफेंट्स है, बुद्धा है। आइए सर एक बार इधर देख लें। ये शायद आपके ज्यादातर फ्लावर पॉट्स हैं गार्डन के लिए। हाँ, ये फ्लावर पॉट। ये देखिए डिफरेंट डिजाइन के फ्लावर पॉट्स हैं। और इनकी फ्लावर पॉट्स की अप्रोक्सीमेट रेट क्या होती है? सबका 2000-3000 से। 2000-3000 बहुत, 2000-3000 में तो आजकल आप फाइबर के ले लेते हैं, ये तो स्टोन के हैं। ये देखिए और ये सारे क्राफ्टेड है। देखिए हाँ, दूसरी बड़ी बात ये है जो हमने हमारा चैनल बनाया वोकल फॉर लोकल, एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा मोदी जी ने एक ये मिशन डाला कि हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोडक्ट प्रमोट किया जाए, उसके लिए तो ये सारे हैंड क्राफ्टेड है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि डाई का काम है मशीन पे डाला, कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा हाथ से बनाया हुआ है और एक ही पत्थर में से बनाया हुआ है। तो ये इसकी खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि ये ओपन अगर पड़ेंगे, इनकी एंटीक वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं ये ख़राब हो गया इसको फेंक दें, अगर आप इसको मतलब इनकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हाथ का काम है वो महंगा होता जाएगा और इनकी वैल्यू बढ़ेगी। देखिए कितने खूबसूरत, वाओ। देखिए छोटे छोटे भी अगर आप देखेंगे तो, जैसे ब्लू वाला ये पत्थर है ये तो यहाँ नहीं होता है। ये जो ये वाला इधर का कोटा वैली, अच्छा एक कोटा साइड का सैंड स्टोन है। तो इनके पास कलेक्शन वाइज देखिए, जैसे सैंड स्टोन है कई है, करौली, बंशी, पहाड़पुर, ग्वालियर का हो गया, मतलब भरतपुर में रीजन में भी अलग अलग जगह की माइंस के अलग अलग कलर है। तो वो सारी चीज़ें आप देखें, ग्रेनाइट वगैरह, ग्रेनाइट में भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखिए तो आपको गुजरात का है, ये गुजरात के बता रहे, ये क्या बोलते हैं इस पत्थर को, ये भी सैंड स्टोन है, है? ये भी सैंड स्टोन की क्वालिटी है, गुजरात का है। ये देखिए कितने खूबसूरत, मतलब मुझे लगता है कि एक बार अगर आपके पास ओपन स्पेस है या अगर कोई बड़ा हॉल वगैरह है तो उसके रखने के लिए भी, जो प्लांटेशन वगैरह करते हैं तो अपने आप में है जगह, है दम है इसमें। ऐसा कलेक्शन सिकंदरा में तो आपको मिलेगा। ये देखिए ट्री पैनल है आपके पास, बड़ी लॉबी वगैरह कुछ इस तरीके से है। तो देखिए एक्चुअली आज तो मैं इनके वर्कशॉप पे नहीं ले चल सकता, क्योंकि आज देखिए बुद्धा के पैनल, जालियों के ले लूं एक बार, ये देखिए पार्टीशन जालियों का, ये फाउंटेन्स है अलग अलग। ये सैंडस्टोन की कितनी खूबसूरत कलाकृतियां हैं, ये देखिए आप, ये सारा सैंडस्टोन है ना, ये देखिए आप, एक से एक बढ़िया। तो रेट्स का कौन बताएगा, कैसे बताएंगे, हैं भैया रेट्स का कौन बताएगा? अभी बता देंगे आपको फोन पे। नहीं फोन पे नहीं, वो मेरे को सामने। देखिए सैंडस्टोन के शेर, ये पीछे कारखाना भी आप ही का है, ये जो साइड में है ये वाला कारखाना भी आप ही का है। या गार्डन के लिए देखिए बुद्धा,
सारा सैंड स्टोन का। ये अगर आप गार्डन में लगाना चाहें लैंप्स, ये देखिए ये वॉल के लिए आपके लिए पैनल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे। ये सारे सिकंदरा रोड पे ही है। ये देखिए लाइट्स, इसको थोड़ा हटाएंगे कूलर को, खिचक जाएगा। ये देखिए मतलब किसकी तारीफ करी जाए, सब एक से एक खूबसूरत है। देखिए लैंप्स, ये बड़े पैनल्स हैं। ये देखिए जाली वाला, ये देखिए ये पॉट्स सब अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग स्टोन शेड, फाउंटेन। ये देखिए पॉट्स, ये देखिए ब्लैक मार्बल का, बुद्धास, ये देखिए फाउंटेन्स। गार्डन के लिए देखिए कितने अच्छे। होटल इंडस्ट्री, कॉरपोरेट हाउसेज, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज है। एक्चुअली शायद आज मैं गलत दिन आ गया हूं, क्योंकि सारे के सारे जो ओनर है, जो कारीगर हैं, वो सारे के सारे नारायणी माता के यात्रा पे गए हुए हैं। देखिए ये पैनल्स हैं, आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें मिलती नहीं हैं लोगों को पता हो कि कहाँ पे हमें कांटेक्ट करना है। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइंस हैं पॉट्स की। ये देखिए स्टूल्स, तो ये है सिकंदरा की खूबसूरती। भाई अभी 6-7 दिन बाद आऊंगा मैं। देखिए ये खूबसूरती है, ये देखिए फाउंटेन इन्होंने चलाया हुआ है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, कोई रेट का आइडिया है कितने का होगा? वैसे एक अमूमन अंदाजन 15-1 हज़ार।
15-1000 के आसपास की रेंज के हैं, थोड़ा बहुत कुछ कम भी हो सकता। देखिए आप, तो ये है सिकंदरा की कारीगरी। चल मिलते हैं और से सिकंदरा स्टोन क्राफ्ट। ये देखिए सैंड स्टोन का बनाया हुआ है। ये देखिए आप, ये कुछ गुंबज वगैरह का बना के, ये तो इतना बड़ा बड़ी लेत पे कुछ पॉट टाइप का बनाया हुआ है इन्होंने, तो एक खाली करा हुआ है आप देखिए। देखिए महाभारत का ये विष्णु कितना खूबसूरत पहना है। देखिए आप, जब जयपुर से भरतपुर की तरफ जाते हैं तो सिकंदरा चौराया पार करने के बाद फ्लाईओवर को नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरने 23 स्लिप लेन में लेते हैं, तो आगे एक नटराजन स्टोन कंपनी आती है। वहाँ के आइटम भी मुझे खूबसूरत लगे। उनके पास मार्बल के भी कुछ आइटम हैं, जैसे अगर आप ये हाथी देख रहे हो तो ये है, परंतु सैंड स्टोन पे ये देखिए आप मार्बल के शेर वगैरह हैं। अब ये मुझे नहीं पता इन्होंने ये यहाँ बनाए हैं या लिए, जैसे भी है, क्योंकि इनके अंदर देखता हूँ तो सैंड स्टोन का काम बहुत अच्छा है। परंतु अगर आप सैंड स्टोन के लिए देखते हैं तो सैंड स्टोन पे कुछ बड़ी मूर्तियाँ हैं, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। जैसे अगर आप गणपति देखते हैं तो गणपति है, बुद्धा है, मैं आपको बताऊँ फ्रंट में आके, मैं एक्चुअली स्लिप लेन में खड़ा हूँ, तो अगर आप बुद्धा वगैरह देखते हैं ये और गणेशा देखते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मैं यहाँ के जो ओनर हैं इनसे मिलता हूँ। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? बीकाराम जी सैनी है। आपके जो बड़े वाले आइटम हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें, तो हमें कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए ना, चलिए प्लीज़ देखिए। अगर आप ये छोटा है गणपति है तो बिल्कुल जो गणपति प्रॉपर होते हैं बिल्कुल मोटा पेट और इस तरीके से, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बुद्धा जी, इमिटेटिव बुद्धा, स्लीपिंग बुद्धा, ये देखिए। मतलब अगर आपको बड़े पीसेस का कलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स अ बुद्धा हेड। ये देखिए मार्बल के तो आप लेते होंगे या वो भी बनवाते हैं यहीं पे? नहीं नहीं सभी को हमारे यहाँ पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मार्बल का भी इन्हीं के यहाँ का बना हुआ है। ये देखिए बजरंग बली, मंदिर से लेके मूर्तियाँ सब मंदिर की, मंदिर वगैरह जो ये बता रहे हैं ये इनके ही बनाए हुए हैं। ये देखिए बुद्धा, जैसा ऑर्डर होता है वैसे उसी हिसाब से, ये जब बोल रहे हैं कि जैसा ऑर्डर होता है उस हिसाब से बना देते हैं। कलेक्शन तो मैं बता ही रहा हूँ, कुछ तो कुछ अगर आप देखते हैं गणेशा वगैरह बहुत अच्छे गणेशा। सैंड स्टोन का एक ये फायदा है कि आप इसको अगर ओपन में गार्डन में कहीं रखते हैं तो कुछ खराब नहीं होता, और इनकी एंटीक वैल्यू, क्योंकि धीरे धीरे कारीगर की कॉस्ट, पत्थर की कॉस्ट ये बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और इनकी कॉस्ट है तो इनकी एंटीक वैल्यू बढ़ेंगी। देखिए बड़ा,
हम इनके पीछे की तरफ, ज़्यादातर सिकंदरा में पीछे की तरफ ही वर्कशॉप होती है, वहाँ पे एक बार लेके चलता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने ख़रीदा हुआ ही है, ये सारे इनके यहीं पे बनता है। ये बड़ा जो पीस है ये क्या बना रहे हैं आप? क्या चीज बनेगी मतलब? ये पार्क में लगेगा, सिटी पार्क, जो अपने सेंट्रल पार्क में लगा हुआ है ना। हाँ मूवमेंट्स। हाँ वो चलिए मानसरोवर के अंदर सिटी पार्क में। देखिए ये बता रहे हैं कि जयपुर में बड़ा जो एक मानसरोवर में कोई पार्क बन रहा है वहाँ पे लगेंगे। ये कितना होगा? मुझे लगता है 10-12 फीट का होगा। 11 फीट का है, 18 फीट तक के बनाए हैं। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। और वो क्या बना रहे हैं? अच्छा, सारे के सारे मूवमेंट बन रहे हैं पार्क के लिए। तो आपके जो छोटे वाले जो मूर्तियां वगैरह हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती है अंदाजन? ये 6 इंच से चालू हो जाते हैं बनना। और रेट वाइज कहाँ से मतलब? देखो रेट का नहीं, मतलब एक आइडिया होता है, 1000 से होता है, 500 से होता है? 6 इंच का मूर्ति 1000 रुपए चालू होता है। 1000 रुपए के आसपास से मूर्ति स्टार्ट होती है। फिर वो तो बात आप, वो आप यहाँ पे आएंगे बात करेंगे तो इन्हीं से है। इसमें कोई मतलब जो भी है भावताव का करने का, और भावताव के लिए है कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है, पत्थर की क्वालिटी पे करता है, वर्कमैनशिप पे करता है, ये सारी इन्हीं से बात करनी पड़ेगी आपको। तो ये अपने आप में अच्छी चीज़ है। फिर और किसी जगह पे चलते हैं, क्योंकि सिकंदरा हमारा 6-7 दिन का ट्रिप है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 20-25 व्लॉग दें और सिकंदरा के बारे में बताएं। को बड़े बड़े आउटर में कुछ बनाना हो, स्टूल्स हैं, टेबल्स हैं, फ्लावर पॉट है, ये देखिए फाउंटेन है, देखिए। दोस्तों मैं आ गया हूँ सिकंदरा। सिकंदरा मशहूर है लाल पत्थर के काम के लिए। अगर आपने बिल्डिंग्स में देखी होगी तो, अगर चाहे पार्लियामेंट भवन हो, इंडिया गेट हो, राष्ट्रपति भवन हो, या अक्षरधाम मंदिर हो, सारे जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं और जो बिल्डिंग्स हैं उनमें लाल पत्थर का प्रयोग करा ही करा जाता है। अब मैं यहाँ पे लाया हूँ, वैसे तो ये सावन माह चल रहा है तो लोग जो कारीगर हैं वो गए हुए हैं यात्राओं पे, जो पदयात्राएं होती है, तो मैं आपको मिलाता हूँ। क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पप्पू लाल जी सैनी से मिलवा रहा हूँ। ये पैनल बना रहे हैं छोटा सा। पप्पू लाल जी आप करिए, देखिए एक्चुअली सैंडस्टोन थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ जैसे मार्बल होता है उतना हार्ड नहीं होता है, तो कार्विंग थोड़ी सी इजी होती है, सफाई भी आ जाती है, इसीलिए था। तो देखिए ये इस तरीके का जो ये जिस पे बैठे हुए हैं उस तरीके का कुछ पैनल बना रहे होंगे। ये किस चीज़ में लगेगा पप्पू लाल जी? ये किस चीज़ के लिए बना रहे हो? ये कहाँ पे लगेगा? ये पिलरों पे दीवार है। ये पिलरों पे बता रहे हैं कि पिलर्स पे लगेगा। इन्होंने अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो हिस्से हैं ये कटर से करके और इन सबको काटेंगे तो इसकी शेप आ जाएगी ये इस तरीके की डेप्थ में। देखिए मैं आपको और लेके चलता हूँ। ये जैसे इन्होंने जालियाँ बनाई हुई है, छोटे छोटे गुंबज वगैरह हैं अगर आप देखते हैं तो, देखिए ये पैनल्स देखिए आप।
ये जाली का वर्ग। ये गार्डन के लिए चेयर्स, पॉट्स वगैरह, आगे लेथ मशीन भी लगी है। मैं आपको और दूसरे कारखाने पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ इनके हैं, वो सारे पदयात्रा में गए हुए हैं। ये देखिए,